नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पूरे बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी मनाया गया कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का 82वां तरुणधान दिवस। आज सिलीगुड़ी नगर पालिका की ओर से बाग रतन पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां नगर पालिका के मेयर गौतम देव तथा उप मेयर रंजन सरकार तथा नगर पालिका के पार्षदों की उपस्थिति रही थी, जहां उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को अर्पित की। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आज से भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अलीपुर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की उत्पत्ति होने की वजह से राज्य के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलधार से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। हाम्रो पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से दार्जिलिंग से युवा विंग शुरू की है। पार्टी ने फिनसो डब्ल्यू गुरुंग को युवा संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया है, जहां युवाओं के नेतृत्व में कालिंगपोंग चंदन परियार दार्जिलिंग से दीपू थापा संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस बीच इस बात की जानकारी केंद्रीय सदस्य श्याम गौतम ने दी है। मालदा जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने कथित तौर पर ऑनलाइन ठग गिरोह चलाने के आरोप में एक नाइजीरियाई शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कुछ महीने पहले नाइजीरियाई शख्स ने सोशल मीडिया पर मालदा की एक महिला समेत कई लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद मालदा के कई लोगों से 16 लाख रुपयों की ऑनलाइन ठगी की थी। घटना के प्रकाश में आने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसी के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। बर्मिंगम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक 55 पदक मिल चुके हैं। इनमें से 18 स्वर्ण, 15 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल है। आज भारतीय खिलाड़ियों के पास 6 और पदक जीतने का मौका है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग को जोड़ी स्वर्ण पदक जिता सकती है। टेबल टेनिस में शरद कमल के पास स्वर्ण और साध्यान के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम भी स्वर्ण पदक जीत सकती है। राष्ट्रमंडल खेलों में आखिरी दिन भारत को कम से कम 5 पदक मिलने तय बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारत के पदकों की संख्या 60 तक पहुंच जाएगी। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हीरक जयंती समारोह के अवसर पर महाविद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत कॉलेज में विज्ञान संग्रहालय और साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ का किया गया उद्घाटन, जहाँ मणिपुर एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के जवान अक्षय कुमार मिश्र को रविवार को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शनिवार शाम मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में भारतीय संग्रहालय परिसर में उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जहां इस बीच आपको बता दें कि एक की मौत हो गई थी। मिश्रा हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात रहे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले 2 तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों शिशिर अधिकारी और दिव्यंदु अधिकारी से जवाब किया गया। तलब TMC लोकसभा नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भेजा है पत्र। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार चिंता बढ़ा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 16,167 नए मामले सामने आए। हालांकि एक दिन पहले के मुकाबले नए मरीजों की संख्या कम है, लेकिन देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 6.14% पर पहुंच चुके। इस दौरान 15,549 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,35,510 पर पहुंच चुकी है। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका और मालदा शिल्पी संसद ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का 82वां तरुधान दिवस मनाया। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के कृष्णंद नारायण चौधरी ने सोमवार को मालदा शहर के रविंद्र एवेन्यू क्षेत्र में कविगुरु की पूर्ण प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर इंग्लिश बाजार नगर पार्षद शुभमय बासु, मालदा आर्टिस्ट एसोसिएशन के सचिव मलय शाह, आर्टिस्ट एसोसिएशन सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा।
हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबंग मारवाड़ी भवन, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी। गुड शेफर्ड सेवियर्स डू रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्सेस BAMA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीक सित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि सहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईँले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईँलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।